रोहित शेट्टी पुरानी हिट फिल्मों के डिटेल छोड़ मुद्दा पकड़कर अपनी स्टाइल में नई फिल्म बनाते हैं। उनकी ताजा फिल्म दिलवाले में हम और चलती का नाम गाड़ी की झलक मिलती है। कुछ दृश्य उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों से भी उड़ाए हैं। खैर, अहम सवाल यह है कि भले ही प्रेरणा ली गई हो, क्या दिलवाले मनोरंजक फिल्म है? इसका जवाब यह है कि फिल्म में ऐसे कुछ दृश्य हैं जो आपको हंसाते हैं, भावनाओं में बहा ले जाते हैं, रोमांचित करते हैं, लेकिन ओवरऑल फिल्म प्रभावित नहीं करती और उम्मीदों का भार सह नहीं पाती। कहानी है राज की, जो गोवा में अपने भाई वीर के साथ रहता है। वीर को इशिता से प्यार हो जाता है। इशिता का हाथ मांगने राज उसके घर जाता है, जहां उसकी मुलाकात इशिता की बहन मीरा से होती है। मीरा इस रिश्ते से इनकार कर देती है। मीरा और राज की जान पहचान पुरानी है। बल्गारिया में दोनों के परिवार अंडरवर्ल्ड से जुड़े थे और आपस में दुश्मन थे। दोनों में प्यार होता है, परंतु गलत फहमियां पैदा हो जाती है। वहां से वे भारत शिफ्ट हो जाते हैं और 15 वर्ष बाद दोनों फिर आमने सामने होते हैं। दिलवाले की स्क्रिप्ट ही सबसे बड़ी खलनायक है। 80 और 90 के दशक के घिसे पिटे फार्मूले वाली फिल्मों की याद दिलाती है। भाई भाई का प्यार, अंडरवर्ल्ड के दुश्मनों की संतानों में प्यार हो जाना जैसी बातों के इर्द गिर्द कहानी बुनी गई है। स्क्रिप्ट में लॉजिक का कोई स्थान नहीं है और लेखक ने अपनी सहूलियत के मुताबिक दृश्य लिखे हैं। मसलन मीरा और राज का परिवार चर्च क्यों जाता है, इसका कोई जवाब नहीं है। जब एक डॉन दूसरे डॉन से मिलने के लिए उसके घर जाता है तो जांच की जाती है कि वह हथियार लेकर तो नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ एक डॉन हथियारों के जखीरे के साथ दूसरे डॉन से मिलने जाता है। करोड़ों रुपए की ड्रग्स को खुलेआम सड़क पर आग के हवाले कर दिया जाता है। बोमन ईरानी वाला ट्रैक भी बहुत कमजोर है और सिर्फ इसलिए रखा गया है कि क्लाइमैक्स में विलेन की पिटाई हो। रोहित शेट्टी ने इस बासी कड़ी यानी कि कहानी में कई तरह के ट्विस्ट टर्न देकर उबाल लाने की कोशिश की है। उन्होंने ढेर सारे आइटम सीन रखे हैं जो दर्शकों को गुदगुदाएं, भले ही कहानी से उनका कोई लेना देना नहीं हो। इनमें से कुछ सीन उम्दा भी बन पड़े हैं, जैसे राज मीरा की 5 मिनट की डेट, राज के अतीत की कहानी उसके साथियों द्वारा टीवी देखकर उसके छोटे भाई वीर को सुनाना, राज मीरा की पहली मुलाकात, वीर के दोस्त का ये बताना कि आजकल की लड़कियों पर कितना खर्च होता है, मीरा का राज को धोखा देना। कॉमेडी, इमोशन, रोमांस और गानों के गियर बदल बदल कर रोहित ने किसी तरह कार यानी फिल्म को दौड़ाया है, लेकिन यह पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ पाती और हिचकोले खाती रहती है। दिलवाले का सबसे बड़ा आकर्षण शाहरुख काजोल की जोड़ी है। दर्शक दोनों का रोमांस देखना चाहते थे जिसे कम समय दिया गया। शाहरुख खान के किरदार का ठीक से विस्तार नहीं किया गया है। वे रोमांस और एक्शन करते कम नजर आए। कुल मिलाकर उनके हीरोगिरी वाले दृश्य कम हैं और यह बात शाहरुख के फैंस महसूस करेंगे। फिल्म में कॉमेडी, एक्शन और रोमांस की तुलना में इमोशन को ज्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन भावुक दृश्य ऐसे भी नहीं है कि दिल को छू जाए। ये बनावटी और थोपे हुए लगते हैं। शाहरुख खान सुपरस्टार हैं, उम्दा कलाकार हैं, वो इससे कहीं बेहतर स्क्रिप्ट के योग्य हैं। इस तरह के रोल तो वे आंख मूंद कर भी निभा सकते हैं। यह फिल्म उनकी छवि के साथ न्याय नहीं करती। काजोल खूबसूरत लगी है और उनकी ताजगी बरकरार है। कैमरे से दूर रहने के बावजूद वे अभिनय करना भूली नहीं है। वरुण धवन और कृति सेनन का अभिनय औसत दर्जे का है। दिलवाले के साथ दिक्कत यह है कि हिट पर हिट फिल्म देने वाले रोहित शेट्टी के पास सुपरस्टार, हिट जोड़ी, भव्य बजट और अच्छे तकनीशियनों का साथ था, लेकिन वे इस भरपूर संभावना को मनोरंजक फिल्म में परिवर्तित नहीं कर पाए। देखने जाएं तो बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ न जाएं। इस फिल्म को मैं 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ।